नेता अक्सर कुछ ऐसे बयान देते हैं जिसके बारे में वे शायद ही सोचते होंगे। कई बार नेताओं को उनके बयान की वजह से काफी ट्रोल भी किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की। निर्मला सीतारमण कई बार संकट के वक्त में दिए बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी वे कुछ ऐसे ही बयान की वजह से सुर्खियां बटोर रही हैं। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी ने जीएसटी कलेक्शन पर काफी बुरा असर डाला है। देश की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस के रूप में सामने आए असाधारण एक्ट ऑफ गॉड का सामना कर रही है, जिसकी वजह से इस साल अर्थव्यवस्था के विकास की दर सिकुड़ सकती है। एंड टेक्निकली एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम इन फेवर ऑफ दिस और दैट, आई एम ओनली डिस्क्राइबिंग इट फॉर योर कन्वीनियंस। सो दैट पोर्शन ऑफ the gap which arises in the compensation essentially deriving from the calculation methodology which is already embedded in that, because the act didn't foresee an act of God. It just kept saying protected revenue should be taken care of, and it also said approximately a 10% growth, what is the actual revenue, and therefore it made sure that it hardwired giving compensation. Whereas this year we are facing an extraordinary situation that even below the 10% approximate estimation, you're facing an act of God which might even result in a contraction of the economy. निर्मला सीतारमण का ये बयान ऐसे समय में आया है जब देश की जीडीपी दर नेगेटिव की ओर जा रही है और देश कई अनेक संकटों से घिरा हुआ है। ये समय देश को एक नई उम्मीद जगाने का है, लेकिन ऐसे समय में निर्मला सीतारमण इसे एक्ट ऑफ गॉड बता रही हैं। ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ। दिसंबर 2019 के पास जब प्याज की कीमत 100 रुपए से 150 रुपए किलो तक पहुंच गई थी, तब संसद में किसी ने उनसे प्याज खाने को लेकर बयान दिया था, तो उन्होंने जवाब में ये कहा था कि मैं तो प्याज ही नहीं खाती। मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। नो ऑनरेबल मेंबर सुप्रिया जी, इतना ही नहीं, सितंबर और अक्टूबर 2019 के पास ऑटो सेक्टर काफी मंदी के दौर से गुजर रहा था। कई लोग अपनी नौकरियों को खो चुके थे। तभी निर्मला सीतारमण ने इसकी वजह ओला और उबर को बताया था। That the automobile sector in particular and the components together have been affected by several things, inclusive of the BS6 movement, inclusive of registration fee related matter which we have deferred in June, inclusive of the mindset. Some studies do tell us the mindsets of the millennials who are now preferring not to commit an EMI towards buying an automobile, instead would prefer to have Ola and Uber and everything else, or take the metro. So a whole lot of factors are influencing the automobile sector. We are all seized of the problem, we try to solve it. जब Yes Bank डूबने की कगार पर आ गया था और PMC Bank भी डूब गया था, तब लोग सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि उनका पैसा सुरक्षित रखेगी। तब निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बैंक क्राइसिस की वजह उन्होंने कांग्रेस को ठहराया था। The exposure of Yes Bank to some of the very stressed corporates has been since before 2014. Since before 2014. I wouldn't even mind taking their names because obviously these are public domain information. I'm not violating anybody, any customer's privacy. Anil Ambani Group, SL Group, DHFL, IL&FS, Vodafone are some of those very stressed corporate to whom Yes Bank has been exposed. Yes Bank ने ज्यादातर लोन NDA सरकार के वक्त दिया था, पर निर्मला सीतारमण ने इसका इल्जाम भी कांग्रेस पर डाल दिया था। जब भी संकट के बादल छाए नजर आते हैं, तब वित्त मंत्री की तरफ से अजीब सा बयान सामने आ जाता है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लाने के प्रयास करे और लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।